सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग फिर से बात करेंगे मिस्टर मीट चैप्टर 2 के बारे में। तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मिस्टर मीट चैप्टर 2 में हमको एक बार फिर पिग टाइप कोई खतरनाक सा एनिमल देखने को मिल सकता है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक तो यही रीजन है कि मिस्टर मीट जो है पिग से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। सेकेंड, जब मिस्टर मीट अपने उस चेयर से बच जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक चेयर से, तो जो उसकी हंसी के पीछे बैकग्राउंड में साउंड आते हैं कई सारे, उसमें पिग के होते हैं, जैसे पिग जैसी वॉइस होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस गेम में पिग हो सकते हैं। बट एक और चीज हो सकती है जो कि काफी ज्यादा पॉसिबल है। तो आपको पता होगा कि मिस्टर मीट इंसानों को भी जानवर बना देता है, जानवर में भी स्पेशली पिग बना देता है, जैसा उसने रेबेका के साथ किया था, राइट? तो रेबेका की तरह ही हो सकता है उसने इस पूरे जेल में रहने वाले कई कैदियों को या फिर कई सारे ऑफिसर्स को पिग बना दिया हो अपने एक्सपेरिमेंट का यूज करके। एंड जैसा कि मैंने आपको आज से काफी टाइम पहले एक वीडियो में बोला था कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मिस्टर मीट ने इस जेल में अपनी खुद की एक पूरी गैंग बना ली हो, और हो सकता है हमको गाइस चैप्टर 2 में, यानी मिस्टर मीट चैप्टर 2 में पिग फेस वाले ह्यूमन देखने को मिले, कुछ ऐसे क्रिएचर देखने को मिले खतरनाक से इस पूरी बिल्डिंग में, और इन लोगों से बचकर हमको एस्केप करना हो। बट यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, मिस्टर मीट जो कि इस जेल में बंद था, उसको इतना सब कुछ करने कैसे दिया गया, या फिर उसने इतना सब कुछ किया कैसे? क्या उसकी कोई हेल्प कर रहा था? लगता तो ऐसा ही है कि मिस्टर मीट की हेल्प किसी ने तो करी है। वो हॉस्पिटल का ही कोई बंदा है जिसने मिस्टर मीट की हेल्प करी है, जो कि हमको जब गेम रिलीज हो जाएगा तब पता चल ही जाएगा किसी ना किसी कट सीन में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।